प्रदेश कांग्रेस ह विधानसभा चुनाव ले पहली बड़े खुलासा करके सबला चौंका दे हे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल हा शुक्रवार के प्रदेश मा 2 लाख ले ज्यादा फर्जी मतदाता हो के बात कहे हे। उहे भाजपा हा कांग्रेस ला चुनाव आयोग जाके शिकायत लिखे के सलाह दे हे। 2019 मा छत्तीसगढ़ मा विधानसभा चुनाव होवैया है। एकर पहली ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी हा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सनसनीखेज आरोप लगा है। पीसीसी चीफ भूपेश बघेल हा प्रदेश मा 2 लाख ले ज्यादा फर्जी मतदाता होए के बात कहिस। बघेल हा बताइस कि कांग्रेस हा फर्जी मतदाता मन के जानकारी जुटाए बर एक वेब एजेंसी के मदद लिए है। भूपेश बघेल हा एजेंसी के सीईओ के संग मा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा करे है कि 2013 मा भाजपा हा जेन चुनाव ला जीतीस ओ हा फर्जी मतदाता सूची के आधार मा जीते है। एजेंसी के मुताबिक 2013 मा प्रदेश मा करीब 2,12,224 डुप्लीकेट वोटर रहे। दूसर राज्य के आंकड़ा बतात हुए कहिस कि प्रदेश में भाजपा ले कांग्रेस के हार के अंतर महज 97,000 यानी 0.97% के रहिस। मतलब अगर डुप्लीकेट वोटर नहीं रहतीस तब परिणाम हा कुछ और रहतीस। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल के आरोप है कि बीजेपी बड़े षड्यंत्र करत है। कुछ चिन्हांकित अधिकारी घलोक है जेन मन बीजेपी पर काम करत है। कांग्रेस है मुद्दा ले लेके चुनाव आयोग ले जांच के मांग करे है। उकर कहना है कि अंतिम प्रकाशन ले पहली सूचना दुरुस्त करे जाना चाहिए। जुलाई से लेके जनवरी तक 6 महीने में जो मतदाताओं की संख्या बढ़ी है वो 7 से 8 लाख के बीच बढ़ा है। तो इस प्रकार से अनेक विधानसभा में इस प्रकार से वृद्धि हुई है। भारतीय जनता पार्टी ये षड्यंत्र कर रही है कि चिन्हित 10 विधानसभा में इस प्रकार से मतदाताओं की संख्या में जंप होगा। ये समझ लीजिए ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र है। और आप देख लीजिए स्टेट इलेक्शन कमीशन को कलेक्टर को लिखना पड़ रहा है कि भाई हमारा फोन उठा लिया करो। मुख्य चुनाव अधिकारी सभी जिलाधीशों को पत्र लिख रहे हैं कि भैया हमारा फोन उठा लिया करो। क्या स्थिति इस प्रदेश में? कलेक्टर लोग इस्तीफा दे दे के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कल उसके एक अध्यक्ष और बोल रहे थे कि और कलेक्टर शामिल होंगे। तो पहले वो उसके काम से खुश हो गए तभी तो, नहीं तो जस्टिस ग्वाल को भारतीय जनता पार्टी में क्यों नहीं मिला रहे वो इस्तीफा दिए। भूपेश बघेल के फर्जी मतदाता के आरोप के खंडन करत हुए भाजपा उपाध्यक्ष सुनील सोनी हा कहिस कि कांग्रेस ला वास्तविक मतदाता मन के संख्या ही नहीं मालूम। संगे मा वहाँ कांग्रेस ला सलाह घलो दिए है अभी भी चुनाव मा काफी समय है तैसे मा कांग्रेस ला चुनाव आयोग के पास मा जाके फर्जी मतदाता मन के जानकारी देना चाहिए। भूपेश बघेल जी जो है वो कहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता बूथ लेवल तक के काम करता है। तो आज उनका कार्यकर्ता खुद प्रमाणित कर दिए कि उनका कार्यकर्ता ठीक काम नहीं कर रहे क्योंकि एजेंसी से इनको पता लग रहा है कि जो है वहाँ फर्जी मतदाता है। अगर इनका कार्यकर्ता काम करता मतदाता सूची लेकर घूमता सर्वे करता तो उसको धरातल पर क्या स्थिति ये पता लगता। और रही बात फर्जी मतदाता की तो अभी बहुत समय है कटवाए। हम भी चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव हो। हम भी हमारा कार्यकर्ता भी बूथ लेवल में सर्वे कर रहा है और जहां लग रहा है कि वो मतदाता नहीं है तो हमने भी कटवाने का आवेदन किया है। एक निजी एजेंसी के माने तो छत्तीसगढ़ में 1 से 1.5 लाख वोटर बढ़े के बात कहे जाते। सामान्य तौर में एला सामान्य संख्या माने जाते। फिर 2013 और 2014 में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मध्य में 6 महीना के भीतरी में संख्या करीब 7 से 8 लाख बढ़े हैं। ये बढ़े हुए मतदाता सूची ला लेके संदेह जताए जाते। देश टीवी पर कैमरामैन एस क्रिस के साथ कुलभूषण सिंह के रिपोर्ट। पेट्रोल मांगला लेके हुए विवाद में 3 लोगन मन हा एक युवक के धारदार हथियार ले हत्या कर दे है। अभी ही 3 आरोपी ला पुलिस हा गिरफ्तार कर ले है। पुलिस हा आरोपी मन के 3 ले घटना में उपयोग करे गए मोटरसाइकिल और चाकू ला बरामद कर ले गए है। बीते दिन पिरदा इलाका में मामूली पेट्रोल विवाद ला लेके हुए हत्याकांड के पुलिस हा 2 दिन के भीतरी में ही खुलासा कर दिस। ए मामला में पुलिस हा 3 आरोपी मन ला गिरफ्तार करे है। घटना 28 अगस्त के रात के है जब आरोपी मन हा पिरदा के भारत किराया भंडार के सामने मा एक व्यक्ति के पेट्रोल नहीं दे के सेती चाकू मार के ओकर हत्या कर दे रहीस। मृतक हरी महेश्वरी हा चिंगरिया गांव के रहिया रहीस और पेशा ले एक राज मिस्त्री के काम करत रहीस। मृतक अपन काम ला पूरा करके घर जात रहीस तभी रद्दा मा आरोपी मन हा पेट्रोल खत्म हो जाए के नाम ले ओकर गाड़ी रुकवाइस और पेट्रोल के मांग करे बर लगीस। मृतक हरी महेश्वरी द्वारा पेट्रोल नहीं दे मा ओकर मन मा विवाद शुरू हो गए। तभे 3 आरोपी मन मा एक जन हा धारदार चाकू ले हत्या के घटना ला अंजाम दिए रहीस। घटना के बाद ले ही क्राइम ब्रांच और विधानसभा के थाना हा
10 अलग अलग टीम मन लगाए रहीस। संगे माही इलाका के सबो सीसीटीवी फुटेज ल खंगाले गिस, जेमा पुलिस ह कुछ संदेही मन ल गिरफ्तार करिस। उहे मामला के खुलासा करत हुए पुलिस ह तीन आरोपी भूपेंद्र बाग, संजय यादव, कन्हैया तांडी ल गिरफ्तार कर लिस। गौरतलब है कि तीनों आरोपी ह भवानी नगर जोरा के रहैया है। पुलिस ला आरोपी के पास ले घटना में उपयोग करे गए मोटरसाइकिल और चाकू घलोक बरामद हुए है। और रायपुर क्राइम ब्रांच की टीम और थाना विधानसभा की टीम ने लगातार इसमें मेहनत करके 48 घंटे में इस मामला का खुलासा किया है। और जो इसके तीनों आरोपी हैं अभी पुलिस गिरफ्त में हैं, उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया है। आरोपियों के पास से एक बटन वाला चाकू जिसमें लाइट लगा हुआ है वो जब्त की गई है, साथ में घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया। बहरहाल पुलिस है तीनों आरोपी मल्ला कोर्ट में पेश करी से और जी हाँ ले तीनों झल्ला जेल भेज दिए गए है। देश टीवी पर कैमरामैन एस कनिस के साथ कुलभूषण सिंह की रिपोर्ट। तेलीबांधा शासकीय स्कूल के हालात बेहद खराब हवे। स्कूल के भवन ह जर्जर हो गए है और स्कूल में लाइट पंखा ह घलो खराब है, जेखर से लइका मन पढ़े में काफी दिक्कत हुआ थे। पालक मन कोती ले कई घाव आग्रह करे में शिक्षा विभाग कोती ले ध्यान नहीं दे गए है, जेखर बाद शुक्रवार के पार्षद और MIC सदस्य अजीत कुकरेजा के नेतृत्व में DO कार्यालय के घेराव करेगी और संगे में ही शिक्षा अधिकारी ला ज्ञापन सौंपेगी। कुकरेजा हा कई समय की 7 दिन में उचित कार्रवाई नहीं करे जाए में उग्र आंदोलन घलो करे जाही। तेलीबांधा शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड में राज्य सरकार का एक माध्यमिक शाला स्कूल है जिसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मेरे को लगता है बस्तर और बस्तर के अंदर दंतेवाड़ा के स्कूल भी उससे ज़्यादा अच्छे होंगे। स्कूल में न पंखा है, न लाइट है, न वायरिंग सिस्टम है, न मीटर है, न शौचालय है। स्कूल की हालत ऐसी हो गई है कि न वहाँ पे दरवाजे बचे हैं, न खिड़कियाँ बची हैं। हमने एक लाइब्रेरी जन भागीदारी से बनाई थी, वो लाइब्रेरी भी ख़राब हो गई है। सरकार एक तरफ घड़ी चौक का लोकार्पण बार बार हर 2 साल में करती है, करोड़ों रुपये खर्चा करती है। साइकिल ट्रैक जिसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है उसमें भी करोड़ों रुपये खर्चा करती है। स्काई वॉक जैसी योजना बना रही है सरकार, पर सरकार का शिक्षा में ध्यान नहीं है। आज हम अपने साथियों के साथ जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देने आए थे कि ये स्कूलों को 10 से 12 दिन के अंदर कार्रवाई करके कम से कम काम चालू करवा दीजिए, क्योंकि हमको लगे कि आप कुछ कर रहे हैं। अगर ये काम नहीं चालू कराते हैं तो हम वहाँ पर अनशन में बैठेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। अगर बच्चों की पढ़ाई अगर ये उसका ध्यान नहीं दे सकती है सरकार, तो फिर ये सरकार का कोई मतलब नहीं। अगर आप मन के स्मार्ट कार्ड हा नहीं बने हैं तो आप मन बर आखिरी मौका हवे। राजधानी में स्मार्ट कार्ड बनाए बर 5 सितंबर तक जोन मन में शिविर लगाया जाही। जी हां, स्मार्ट कार्ड ला आप मन हा बनवा सकत हा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत स्मार्ट कार्ड बनाए के आखिरी मौका स्वास्थ्य विभाग हा देवत है, जेमा पहली फॉर्म भर चुके पात्र और छूटे हुए परिवार मन के नवा स्मार्ट कार्ड ला बनाया जाही। कार्ड बनवाए बर 29 अगस्त ले 5 सितंबर तक जोनवार शिविर के आयोजन विभाग कोती ले करे जाते। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर डॉक्टर के सौंडिल्य बतेस हवे की RSBY और MSBY योजना अंतर्गत जिला में कुल 1,55,525 आवेदन मिले रही से, जेखर बर रायपुर जिला में पात्र और छूटे परिवार मन के स्मार्ट कार्ड पंजीयन एवं निर्माण करे बर प्रत्येक वार्ड और ग्राम में 18 जून ले अब तक 2 घाव शिविर लगाए जा चुके हैं। ये शिविर मन में 1,04,532 परिवार मन ह अपन स्मार्ट कार्ड ला बनवा ले है और बचे हुए 50,993 परिवार मन बर विभाग कोती ले जोनवार शिविर के आयोजन करे जाते। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हा लोगन मन ला अपील करे हवे कि फॉर्म ला भर चुके लोगन मन हा नगर निगम जोन कार्यालय या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा नगर पालिका और नगर पंचायत में जाके अपन स्मार्ट कार्ड ला बनवा ले। स्मार्ट कार्ड सूची में अपन नाम के जानकारी पर टोल फ्री नंबर 104 या मितानी ले संपर्क करे जा सकत है। वह कही सवे कि स्मार्ट कार्ड बनवाए पर पंजीयन शुल्क शासन कोती ले मात्र 30 रुपया ला निर्धारित करे है और एकर से ज्यादा शुल्क ले जाए में टोल फ्री नंबर 104 या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में तुरंते शिकायत दर्ज कराए। देश टीवी पर निखिल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पहली घाव एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप और वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के सिलेक्शन ट्रायल के आयोजन हुआ थे। ये आयोजन हा शनिवार के हो ही, जेखर बर जम्मो देश भर ले खिलाड़ी मन हा शुक्रवार के रायपुर पहुंची। आयोजन के जानकारी देवत हुए इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी चेतन पठारे हा बताई हवे कि छत्तीसगढ़ में पहली घाव इतना बड़े लेवल में ये कार्यक्रम हा हुआ थे। एक ट्रायल बर देश भर ले 300 ले ज्यादा बॉडी बिल्डर मन हा यहाँ आई। ट्रायल करे के बाद 60 खिलाड़ी मन सबले बेहतर टीम बर चैंपियनशिप बर ले जाही।
पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार इतने सारे हमारे शरीरसौष्ठव खिलाड़ी जो है महिला और पुरुष खिलाड़ी एवं फिजिक्स स्पोर्ट्स की हमारी सारे खिलाड़ी यहाँ पे आए हुए हैं। 350 के ऊपर खिलाड़ी आप सब देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है और 100 के ऊपर ऑफिशियल्स आए हुए हैं। और हमारी जो ये बरस की एशियन चैम्पियनशिप जो इंडिया में पुणे में हो जा रही है अक्टूबर में, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप हमारी हो रही है थाईलैंड में दिसंबर में, उसके लिए हमारी जो इंडिया की सबसे अच्छी टीम सिलेक्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं। और हमारी जो संगठन है इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की मान्यता है। हमारे साथ 43 यूनिट्स है जिसमें रेलवे ऑर्डिनेंस, पुलिस बोर्ड, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड और सारे हमारे देश के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजधानी के मुक्ताकाश मंच में शास्त्रीय गायन अवादन के मनमोहक प्रस्तुति देगी, जेमा बहुत से ग्रुप मन हा, कलाकार मन हा अपन प्रस्तुति लदीस। वर्षा ऋतु में पावस प्रसंग के विशेष महत्व होते, कार्यक्रम में घलो वर्षा ऋतु में ही नृत्य के प्रस्तुति देगी, जेला दर्शक मन हा काफी सराहीस। आज सब बाहर बाहर से मतलब इंटरनेशनल लेवल के कलाकार सब आए हैं। श्री राम हरिदास और पखावज वादन के लिए भी एक ग्रुप आए हैं, और नृत्यशाला एक ग्रुप आई है शास्त्रीय नृत्य के लिए, और देवदर्शी नृत्यशाला वो भी आया है शास्त्रीय नृत्य के लिए। इस टाइप की बहुत से कलाकार आज आए हैं। अब जा देखा फिर देखता खबर के सुर्खी मल्ला। मुख्य चुनाव आयुक्त हा राजनीति दल मन के करीस बैठक, चुनावी नियम और शर्त मन के दी जानकारी। भाजपा बाटी आदिवासी मल्ला प्रेशर कुकर, कांग्रेस का कही चुनावी सिगुफा। और पावस प्रसंग में कलाकार मन हा दिस नृत्य के प्रस्तुति, विभिन्न रूप में सजित मुक्ताकाश मंच। अब आप मन हा देश टीवी के सबो खबर और कार्यक्रम मल्ला हमारे यूट्यूब चैनल में घलोक देख सका था। जोहार रायपुर में आज बस इतना ही, बोला दो विदा, जय जोहार।